हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, इसीलिए आप कंप्लीट देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को डिज़ाइन किए हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगी। इस वीडियो के थ्रू हम कंप्यूटर फंडामेंटल के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए कंप्लीट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, मैंने कंप्यूटर पे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उसमें देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड का तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये वीडियो मेरे लिए यूज़फुल है। मेरा उन सभी के लिए एक ही आंसर से, आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में तैयारी कर रहे हों, अगर उसमें आपका कंप्यूटर है, आपके सिलेबस में अगर कंप्यूटर है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस पढ़ना है। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत लैंग्वेज, बी जर्मन लैंग्वेज, सी ग्रीक लैंग्वेज या फिर डी लैटिन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर होगा इसका डी नंबर, लैटिन लैंग्वेज से कंप्यूटर वर्ड को लिया गया है। कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। इस क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में बताया था, उसमें देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि कंप्यूटर वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। मेरा उन सभी के लिए ये कहना है कि ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है उसे आप इंटरनेट पे रीचेक कीजिए, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होके एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो फिर एग्ज़ाम में गलती हो जाता है अगर आप जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, इसीलिए रीचेक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ही होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर के नाम से भी इनमें से कौन जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है, मुझे मालूम है। राइट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बैबेज, इनमें से कौन सा पहला कंप्यूटर का नाम है जो चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। राइट आंसर होगा डी नंबर, एनालिटिकल इंजन। अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए स्टाइल्स, बी कंप्यूटर, सी प्रोसेसर, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कोई शक नहीं है। जो क्या करती है, उसे हम इनपुट देते हैं, जो डेटा है उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट मिलता है इंफॉर्मेशन के रूप में। क्लियर है। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। ऑप्शन नंबर ए 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। करेक्ट आंसर होगा 1950 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, आप उसे कमेंट में लिखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती है, और अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछें। इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप्ड,
किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि किस ईयर में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि किस जनरेशन में आया था, कंप्यूटर के 5 जनरेशन से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 3rd जनरेशन में आया था। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑप्शन ए, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग। ऑप्शन बी, अ वे ऑफ कंप्यूटर ड्राइव्स वर्क्स। अ सेट ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के वर्किंग को। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। यहाँ पे हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं जिससे आपका टाइम सेव होगा। ए नंबर, मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है, कंप्यूटर को इजी बनाना, आपके लिए यूज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज, बी ओरेकल, सी लिनक्स, डी डोस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ICR रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ही हम शॉर्ट में IC भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 3rd जनरेशन से रिलेटेड है IC। हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, आप जो कंप्यूटर माउस यूज करते हैं इसे फर्स्ट टाइम किसने बनाया था। पहला माउस डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है इनमें से। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, डॉगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर माउस जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ड्राइंग, बी क्रिएटिंग लाइंस, सी सिलेक्टिंग ऑप्शंस, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर माउस इन सभी काम के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर माउस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ, कंप्यूटर माउस जो है ये इनमें से किसका एसेंशियल पार्ट है। CPU, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर मदरबोर्ड। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, हार्डवेयर का एसेंशियल पार्ट है माउस। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के डेवलपर इनमें से कौन है। ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, इनमें से कौन सबसे पॉपुलर कीबोर्ड है। USB कीबोर्ड, क्वेरिटी कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, क्वेरिटी कीबोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। टास्क बार इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है ये किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट अ प्रोग्राम, बी नेविगेशन प्रोग्राम, सी स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी काम के लिए टास्क बार का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, इसीलिए आप याद कर लीजिए। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट के नाम को आप कहां से चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना हो तो। अगर आपको नहीं भी चेंज करना है तो भी बताना ही होगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ए है सेटिंग, बी कंप्यूटर, सी कोड पैनल, डी कंट्रोल पैनल।
राइट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल पैनल से हम यूजर अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ इट इज नॉट देयर। अगर हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का आइकन ना हो और आपको कहे कि लाना है, तो आप कहाँ से ला सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम सेटिंग्स, बी फ्रॉम वॉलपेपर, सी फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, डी फ्रॉम एक्सप्लोरर। राइट आंसर होगा सी नंबर, फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में आप जाके माई कंप्यूटर के आइकन्स को डेस्कटॉप पर ला सकते हैं अगर आपके डेस्कटॉप पे नहीं है तो। When you delete a file from a computer, where does it go? जब आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो ये फाइल कहाँ पे चली जाती है? टास्क बार, हार्ड डिस्क, रिसाइकल बिन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, रिसाइकल बिन। एक चीज यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हम जब कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, तो डिलीट करने से रिसाइकल बिन में जाती है, अगर हम परमानेंट डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। क्लियर है? अर्ली कंप्यूटर्स लाइक एनियक, एडवैक एंड यूनिवैक 1 ऑल कैन बी क्लासिफाइड एज। इन सभी कंप्यूटर जो हैं बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स के नाम हैं, इन्हें हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ए नंबर, ये सभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स। इनमें से कौन अभी भी यूजफुल है अगर हम नंबर ऐड करने की बात करें तो? एनियक, एडसैक, यूनिवैक या फिर एबेकस। राइट आंसर होगा डी नंबर, एबेकस जो है नंबर ऐड करने के लिए अभी भी यूजफुल किया जाता है। एबेकस वॉज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी अमेरिका, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, चाइना के द्वारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनियक, एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये होता है पूरा नाम एनियक का। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही छोटा सा है, आप आराम से बता पाएंगे। राइट आंसर होगा सी नंबर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक स्टैंड्स फॉर, एडवैक का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक। Which of the following is necessary to work on a computer? इनमें से कौन एक necessary है अगर आप computer में काम करना चाहते हैं तो? Option A compiler, B assembly, C operating system, D none of these. Correct answer होगा C number, operating system सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि बिना operating system के हम computer में काम कर ही नहीं सकते। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर किस दौरान डेवलप किया गया था? इनमें से ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1956 टू 1965। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर टैंजिबल, कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जो टैंजिबल होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, बी हार्डवेयर, सी स्टोरेज डिवाइस, डी पेरिफेरल डिवाइस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हार्डवेयर, हार्डवेयर टैंजिबल होता है जिसे छुआ जा सकता है।
कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल्स आर, इनमें से कौन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है? स्कैनर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ और, पॉइंटिंग डिवाइस को हम माउस कहते हैं। माउस का ही दूसरा नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी जो तीन है ये है। सीपीयू कंट्रोल्स, सीपीयू किसे कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, बी कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डेटा, सी कंट्रोल्स मेमोरी, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सीपीयू कंट्रोल्स करता है सभी इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं आपको पता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन इनमें से कौन है, किसे कहा जाता है? ALU, CPU, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, CPU को ही हम कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन के नाम से जानते हैं। विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD? इनमें से कौन DVD से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है? ऑप्शन ए फ्लॉफी, बी CD-ROM, सी रेड रे डिस्क, डी ब्लू रे डिस्क। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ब्लू रे डिस्क DVD से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, इनमें से कौन डिवाइस है जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में मदद करती है? मेमोरी, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम अपने सिस्टम में डेटा को एंटर करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर में आया था फर्स्ट टाइम? राइट आंसर होगा बी नंबर, फोर्थ जनरेशन। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया गया था? इनमें से ए ट्रांजिस्टर्स, बी वैक्यूम ट्यूब्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी ULSI माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वैक्यूम ट्यूब्स का फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा रिजल्ट है या फिर आप कह सकते हैं आउटपुट है जो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इंफॉर्मेशन। विच वन ऑफ दिस ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जिसे हम रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर DVD? ये सभी स्टोरेज डिवाइस के ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन जिसे हम रीड और राइट दोनों कहते हैं वो रैम है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स रैम, रोम एंड CPU? इनमें से कौन इन तीनों चीज़ों को होल्ड करता है? ALU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, नन ऑफ अबव। राइट आंसर होगा सी नंबर, मदरबोर्ड। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे हम और क्या भी कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, प्राइमरी मेमोरी। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दो टाइप की मेन मेमोरी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए CD एंड DVD, बी
रैम एंड रोम, सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। कंप्यूटर की जो दो मेन मेमोरी होती है वो रैम एंड रोम है। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन होती है, उसी का दो टाइप होता है रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, जिसके एग्जांपल होते हैं जैसे यूएसबी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। क्लियर है। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम को हम और क्या भी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि रोम को हम और क्या भी कहते हैं। सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं सी नंबर, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ सी डी, सी डी में हम कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए 300 MB, बी 400 MB, सी 600 MB, डी 700 MB। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, हम सी डी में 700 MB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप में से किस किस को लगता है कि 600 MB हम सीडी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सीडी रोम इज अ, सीडी रोम क्या है, मेमोरी रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, सीडी रोम इज अ सेकेंडरी मेमोरी। ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है जिसे हम बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। CD-ROM stands for, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर होगा D नंबर, CD-ROM stands for Compact Disk Read Only Memory। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, जो कैश मेमोरी होती है वो किसके किसके बीच में एक्ट करती है। सीपीयू एंड रैम, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क या फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सीपीयू एंड रैम के बीच में कैश मेमोरी एक्ट करती है। इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, कंप्यूटर को कितने जनरेशन में क्लासिफाइड किया जा सकता है। 3, 4, 5 या फिर 6। राइट आंसर होगा सी नंबर, 5th में, यानी कि 5 जनरेशन में हम कंप्यूटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं, जनरेशन 1 to 5। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर, एक स्कैनर का क्या फंक्शन होता है या फिर स्कैनर क्या है। दोनों में से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन से हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं सी नंबर, इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर्स डिजिटल फॉर्म। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है सभी हार्ड कॉपी टेक्स्ट को, ड्राइंग और अदर इमेजेस को कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट को इनमें से किसने इन्वेंट किया था। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा ए नंबर, जैक किल्बी। विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस, इन सभी जगह पे कौन से कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं इनमें से। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। राइट आंसर होगा डी नंबर, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस एक्सेट्रा में।
इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर में OCR का क्या मीनिंग होता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी USI माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर होगा सी नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का थर्ड जनरेशन में एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज किया गया था। की ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज टू गेट बैक टू द बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? कीबोर्ड की ऐसी की जो हमें हेल्प करती है और हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में जाने के लिए, होम की, एस्केप की, एंड की, या फिर F12 की। राइट आंसर होगा ए नंबर, होम की। अ कीबोर्ड की दैट इनेबल्स अ यूजर टू अवॉइड द करेंटली सिलेक्टेड ऑप्शन और टास्क ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड? कीबोर्ड की ऐसी की जो इनेबल करती है यूजर को करेंटली सिलेक्टेड ऑप्शन और टास्क को अवॉइड करने के लिए, वो इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा सी नंबर, एस्केप की। एस्केप की जब भी आप प्रेस करेंगे तो जो भी ऑपरेशन करते रहेंगे, जैसे अगर आपने कुछ भी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है तो वो बैक हो जाता है। व्हाट इज द आउटपुट शोन ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड? जो आउटपुट कंप्यूटर के मॉनिटर में शो होते हैं या फिर आप कह लीजिए डिस्प्ले किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्क्रीन कॉपी, बी हार्ड कॉपी, सी सॉफ्ट कॉपी, डी VDU। राइट आंसर होगा सी नंबर, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है क्योंकि वो हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। क्लियर है? द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड? कंप्यूटर से अगर हम आउटपुट जो आते हैं उसे प्रिंट कर दे तो फिर वो क्या कहलाएंगे? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हार्ड कॉपी। प्रोग्राम्स स्टोर इन रोम आर कॉल्ड? ऐसे प्रोग्राम्स जो रोम में स्टोर किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए फायरवेयर, बी फर्मवेयर, सी फर्मवेयर, डी मलवेयर। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, फर्मवेयर। बाकी जो ऑप्शन ए और बी है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है स्पेलिंग चेंजेस से। आपको याद क्या रखना है? फर्मवेयर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट, थर्मल, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इम्पैक्ट प्रिंटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU कंसिस्ट ऑफ? CPU में इनमें से क्या क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आप वीडियो को पॉज करके एक एक ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेक्ट आंसर बताते हैं, डी नंबर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। ये सभी चीज़ें आपको CPU में मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन प्रोग्राम्स एंड? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक इंटरमीडिएरी होता है प्रोग्राम्स और इनमें से किसके बीच? ऑप्शन ए यूटिलिटीज, बी एथरनेट, सी हार्डवेयर, डी यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यूजर इंटरफेस। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोग्राम्स और यूजर इंटरफेस के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम?
इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? डोस, मैक, लिनक्स, विंडोज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, डोस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। क्लियर है? कंट्रोल प्लस ए इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस ए का यूज किस लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा टू सिलेक्ट होल एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है? प्रिंटर, मॉनिटर। सी नंबर है बोथ ए एंड बी, या फिर डी नंबर माउस। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी, यानी कि प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स? किस फंक्शन की मदद से आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं इनमें से? राइट आंसर होगा डी नंबर, F12। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर, 0 and 1। बीट्स स्टैंड फॉर। बीट्स का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा बाइनरी डिजिट। मैक स्टैंड्स फॉर ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये होता है मैक का फुल फॉर्म। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है? ऑप्शन ए 32 बिट्स, बी 48 बिट्स, सी 64 बिट्स, डी 128 बिट्स। राइट आंसर होगा बी नंबर, 48 बिट्स होता है मैक एड्रेस का लेंथ। विंडोज 7 वॉज रिलीज्ड ऑन। विंडोज 7 को कब रिलीज किया गया था? राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, 22 अक्टूबर 2009 में। हाफ बाइट और 4 बिट्स इज कॉल्ड। हाफ बाइट या फिर कह लीजिए 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं? ए पिक्सल, बी निबल, सी मेमोरी, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा बी नंबर, निबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द लॉजिक गेट? इनमें से कौन लॉजिक गेट है? एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, यानी कि लॉजिक गेट एंड और नोट, ये सभी होते हैं। ओएस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ, नन। राइट आंसर होगा बी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। प्रेस डैश टू ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स। अगर आप फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ। याद करने में इजी है, फाइंड कंट्रोल एफ। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो जूमिंग का परसेंटेज कितना होता है मैक्सिमम? 200, 300, 400 या फिर 500%। राइट आंसर होगा डी नंबर, एमएस वर्ड में जूमिंग का परसेंटेज 500 होता है। अब इस दो क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि एक्सेल में मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज कितना दिया होता है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 400%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जूमिंग परसेंटेज कितना है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 400%। अब एक चीज क्लियर कर देते हैं, एमएस वर्ड का जूमिंग परसेंटेज 500 होता है, लेकिन एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों का 400% होता है। ये आपको याद करने के लिए इजी होगा, इसलिए हमने दोबारा बता दिया। टू अरेंज द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन्स को अरेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, बी राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, सी डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा बी नंबर, अरेंज करने के लिए डेस्कटॉप पे आइकन्स को आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। अब इस क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सेल में जूम का वैलिड परसेंटेज नहीं है। ऑप्शन ए 10%, ये तो होता है, बी 100%, ये भी होता है, सी 300%, ये भी होता है। राइट आंसर होगा डी नंबर 500% वैलिड नहीं है एक्सेल के लिए। हु आर द फाउंडर ऑफ गूगल, इनमें से कौन गूगल के फाउंडर हैं? करेक्ट आंसर होगा लेरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। 1KB इक्वल टू 1KB इनमें से किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर 1KB इक्वल टू 1024 बाइट। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है जो आप सभी को पता है? राइट आंसर होगा अल्ट प्लस F4। वट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर कंट्रोल प्लस ए, मतलब सिलेक्ट ऑल। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, पहला कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन सा है? ए लैन, बी वैन, सी पैन, डी अर्पानेट। करेक्ट आंसर होगा अर्पानेट, पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्पानेट स्टैंड्स फॉर, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है और ये हमारा कंप्यूटर का पहला नेटवर्क है। राइट आंसर होगा ए नंबर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? ए एनियक, बी यूनियक, सी परम, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर एनियक, ये पहला कंप्यूटर था। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में टोटल कितनी फंक्शन कीज होती हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर 12, F1 to F12। विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया था इनमें से? ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा बी नंबर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए। क्लियर है, याद रखिएगा। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, देखिए इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली समझ लिया जाता है, उसके लिए कोई भी ट्रांसलेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है।
राइट आंसर होगा सी नंबर, मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो कोल्ड, बाइनरी लैंग्वेज को हम और क्या भी कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी मशीन लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी नंबर मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है इनमें से। राइट आंसर होगा सी नंबर प्रोलोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड, नोट पैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर .txt। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल ऑफ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं। ए पेपर साइज, बी पेज लेआउट, सी पेज ओरिएंटेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी नंबर पेज ओरिएंटेशन में ये दोनों आते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट, किसी भी डेटा फाइल फोल्डर को अगर आपने कॉपी या कट करके रखा है पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। राइट आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल प्लस भी। देखिए पेस्ट होता है पी से, लेकिन शॉर्टकट की होता है पेस्ट का कंट्रोल भी, पी से हम प्रिंट करते हैं। गलती एग्जाम में मत कीजिएगा, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं। C++, टैली, MS Word, इंटरनेट। राइट आंसर होगा डी नंबर इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंप्यूटर्स, इनमें से कौन सभी कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल होता है। बेसिक, कोबोल, मशीन लैंग्वेज, फोरट्रान। राइट आंसर होगा सी नंबर मशीन लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। आपने सी सुना होगा, बेसिक सुना होगा, फोरट्रान सुना होगा, क्या आपने फास्ट सुना है। नहीं, और ये हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। Who was the inventor and founder of www? www के inventor कह लीजिए या founder कह लीजिए, इनमें से कौन है। A, B, C या फिर D। करेक्ट आंसर होगा D नंबर Tim Berners-Lee, ये हैं www के inventor and founder। और आज का हमारा last question है, Which of the following is a part of system unit? System unit का इनमें से कौन सा एक पार्ट है। CPU, CD-ROM, floppy disk या फिर monitor? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर CPU। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपके लिए पार्ट टू लेके आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस सीरीज के थ्रू हम आपको 1000 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो 10 वीडियोस में आप 1000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप कंप्यूटर में पूरा मास्टर बन जाएंगे अगर आप इन सभी वीडियोस को देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए आप आराम से तैयारी कर लेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।